गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड वन में आप लोगों को व्याकरण में चैप्टर टू पढ़ाऊंगी। आज मैं चैप्टर टू में है वर्ण विचार। इस चैप्टर वन में वर्ण पढ़ रहे थे आप लोग। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, असह स्वर वर्ण और कट हो गया व्यंजन वर्ण हुआ। चलिए आज वर्ण विचार में इसी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर वन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसका और खंडन नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, यानी कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अ से अ तक होगा, तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ से अ तक जितने भी स्वर हैं काउंटिंग नंबर में वो 11 आते हैं, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की मात्राएं लगती है, स्वरों की मात्राएं आ आ आ में तो कोई मात्रा नहीं होता, आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, ये सब मात्राएं जिन वर्णों में लगती है उसे व्यंजन कहते हैं। अब आइए, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, यानी 33 है। क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन है उसकी संख्या 33 है। स्वर एवं व्यंजन क्या कहलाते हैं, मतलब कि समझिए दोनों में अंतर को बता रहा है। तो इसका आंसर होगा, सॉरी, स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अंतर नेक्स्ट में है, इसमें क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा, स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो ये वर्ण कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। दो व्यंजन के मेल से मतलब जब दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपका आ जाएगा अच्छा, त्र, स्र और ज्ञ, ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन आंसर आप लोग का पूरा कंप्लीट हुआ, पीडीएफ में डाला हुआ है, बुक रीडिंग कर लेंगे। स्टैंडर्ड वन में थोड़ा सा समझने में आप लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन पीडीएफ में डाला हुआ है, वीडियो देख के क्लियर आप लोग का चैप्टर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का जितना बाकी क्वेश्चन आंसर है बुक में वो मैं करवाऊंगी। थैंक यू।